सब्सक्राइब करिए कुक विद ज़ोया को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अस्सलाम वालेकुम, कुक विद ज़ोया के किचन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ईजी तरीके से पूड़ी और भाजी। तो चलिए हम इसे अपने किचन में बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हलवा पराठे की रेसिपी चाहिए तो आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पूड़ी भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम भाजी रेडी करेंगे। भाजी बनाने के लिए कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तो 1/2 टीस्पून काला राई, जिसे सरसों कहते हैं, और 6-7 कड़ी के पत्ते इसमें हम डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि जो कड़ी पत्ता रहे वो फ्रेश रहे। तो जब ये हल्का हल्का चटकने लगेगा इस तरीके से चला लेंगे इसे। और यहाँ पे हम प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ का प्याज है, इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया है और यहाँ पे 5-6 हरी मिर्चें हम बारीक चॉप करके लिए हैं। तो ये राई और कड़ी पत्ता चटकने लगा है तो अब इसके अंदर हम जो हमारी मिर्चें हैं इसे डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, इसके लिए कम तीखा करी हूँ। जब ये मिर्ची अच्छे से हो जाएगा भुन के तो इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज का कलर देखिए चेंज हो गया है, ये ब्राउन कलर का हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे जीरे का पाउडर है। तो ये मसाले इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाले का पाउडर भी डाल सकते हैं। मसाले हम इसमें डाल के और 1 से 2 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम 7 से 8 आलू को बॉयल करके लिए हैं। अब एक एक करके आलू हम इस तरीके से हाथ की मदद से मैश करके और इसमें डाल देंगे। सारे आलू को हम अच्छे से मैश करके इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे जो हरा धनिया हम चॉप करके लिए हैं ये हरा धनिया इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट इसी तरीके से पकने देंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुका है और भाजी भी हमारा अच्छे से पक चुका है। फ्लेम हम ऑफ़ कर दिए हैं। ये बहुत इजी तरीके से भाजी बन जाता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अब हम पूड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैं पूड़ी ज़्यादा बना रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर बड़ा बर्तन ली हूँ और यहाँ पर मैं 3.5 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ। हम फुल हेल्दी वर्जन में ये पूड़ी बनाएंगे, इसके लिए गेहूँ के आटे से हम बनाएंगे। और यहाँ पे 1 कप मैदा है, 3.5 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा, और इसके अंदर 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1 मीडियम डो रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और एकदम सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम डो रेडी करेंगे। यहाँ पे हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा ऑयल लेंगे और अच्छे से अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर हम ऑयल अच्छे से लगा दिए हैं और इससे हम ढक के तकरीबन 10 मिनट इसको रेस्ट पे रख देंगे। और जो हम ये जार लिए हैं इससे हम 1.5 जार पानी इस्तेमाल करे हैं आटे को गूंदने के लिए। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुका है, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका होगा, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। तो अब हम इसकी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक पटला लिए हैं। 2 तरीके से मैं यहाँ पर पूड़ी बना रही हूँ। तो एक हम ज़्यादा पोषण लेके बड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक बड़ी सी रोटी
रेडी हो गई है और थिकनेस देखिए इतना थिक इसे रखना है। पूड़ी के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं पतला रखना रहता है रोटी, तो मैं यहाँ पे बीच से कट लगाई हूँ और इस तरीके से कट करके एक रोटी में हम चार पूड़ियाँ इस तरीके से रेडी करेंगे तीन कोन की। तो ये बहुत इजी तरीके से पूड़ी तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ये पूड़ी बना ली हूँ। अब यहाँ पे मैं एक छोटा पोर्शन ली हूँ आटे का और गोल राउंड में इसे हम पूड़ी बेलेंगे। तो यहाँ पे दूसरा शेप पूड़ी का ये है। तो इसी तरीके से हम बाकी की पूड़ियाँ बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में ऑयल भी गरम कर लिए हैं और इतनी सारी पूड़ियाँ हम यहाँ पे रेडी करके रख लिए हैं। अब एक एक करके हम इसे फ्राई करेंगे। तो ऑयल बहुत अच्छे से हीट हो चुका है। याद रखिए पूड़ी फ्राई करने के लिए जो ऑयल रहे वो अच्छे से हीट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके यहाँ पर पूड़ी हम डालते जाएँगे और ये देखिए माशाल्लाह किस तरीके से ये फूकते जा रहे हैं। इसके ऊपर हम ऑयल इस तरीके से डालते रहेंगे और जितना आपको कलर चाहिए डार्क या ब्राउन लाइट जो भी रहे आप उस तरीके से पूड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। तो ये पूड़ी हमारी बनके रेडी हो गई है, इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको जो हमारे तीन कोन वाली पूड़ियाँ हैं वो भी फ्राई करके बता देती हूँ कि वो भी इसी तरीके से ऑयल में फूकने लगती हैं। ये देखिए कितना अच्छे से खुद ही ये पलटी होने लग रहा है। तो बाकी सारी पूड़ियाँ हम इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूड़ी और जो भाजी है वो रेडी हो चुका है और इस तरीके से मैं डिश आउट करी हूँ। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह ताला आपको आपके परिवार को ज़रूर पसंद आएगा। आप चाहें तो इसे सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं और आप देखिए कि कितनी ये नरम नरम पूड़ियाँ बनके रेडी हुई है। कभी भी जब आप डो लगाएं तो उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे ज़रूर रखें, उससे जो पूड़ियाँ हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे अपनी दुआ याद रखिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़। अपना ढेरों ख्याल रखिए। बाय बाय।